स्थिर की स्थिर है। इस समय वोट कुछ कम पड़े, परसेंटेज कम हुए, तो मैं नहीं समझता कि सर्व आदिवासी समाज के खुद का कोई वोट था। वो जो न कांग्रेस को देना चाह रहे थे, न भाजपा को वोट देना चाह रहे थे, जो आप पार्टी का था और जो जोगी कांग्रेस का वोट है, यदि हालांकि मतदाता बदल गए होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन आंकड़े हैं जो उसी प्रकार के हैं, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा जो लोग कसम खिलाए थे और बड़ी बड़ी बात दावा कर रहे थे, वो तो कहीं टिके भी नहीं। गुजरात में भाजपा जीती है और कांग्रेस हारी है, मतलब अभूतपूर्व हारी है, इसको किस तरह से देखिए? ये चौंकाने वाले रिजल्ट तो आए हैं, लेकिन हम लोग जब गए थे तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जो रिजल्ट आया, लेकिन जो मतदाताओं का जो जनादेश है उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन अभूतपूर्व जीत, मतलब जो पहली बार मुख्यमंत्री बने, एक साल के लिए बने और 150 से ऊपर, इतना तो मोदी जी भी को नहीं मिला था जितना अभी इनको मिला है। भाजपा भानु एक अविश्वसनीय जीत, मतलब आश्चर्यजनक जीत है। ये भानु भाजपुर उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, ये परिणाम 2023 में क्या है? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस और भाजपा के जो अंतर है वो उसी प्रकार के रहेगा जो इस चुनाव में दिखाई दिया, और 2023 में जो होगा वो यही होगा जो 2018 में था। अब हिमाचल, हिमाचल में क्या जी कोई आशंका नहीं है? अब जा रहे हैं, विधायक दल की बैठक होगी, हाईकमान को बताया जाएगा, हाईकमान का जो निर्देश होगा वो फिर मुख्यमंत्री बनेगा, विधायक दल और हाईकमान मिलकर तय करेंगे। हिमाचल में छत्तीसगढ़ मॉडल काम किया क्या? अजय, हिमाचल में छत्तीसगढ़ मॉडल काम किया, जो 10 गारंटी दिए गए वो बड़ा काम किया है, उसका प्रभाव पड़ा वहाँ सारे, मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरा शीर्ष नेतृत्व पूरा लगातार वहाँ दौरा करते रहे, और उसके बाद भी हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया, तो निश्चित रूप से उसमें जो प्रियंका जी जो 10 गारंटी लेके आई उसको बढ़ा सकता। भानु के लिए भाजपा कह रही है कि आरक्षण का पैंतरा कांग्रेस ने अपनाया था और वही भाई ऐसा है, भानु प्रतापपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा जो चुनावी मैनेजर है उसको झोंक दिया था, और वो दूसरे तीसरे स्थान के लिए संघर्ष करते रहे, बृजमोहन अग्रवाल जी वहाँ लगे थे, जो चुनाव जीत की गारंटी माना जाता था पहले 15 साल तक के, लेकिन वो जनता ही भगवा बन के निकला, जनता ही भगवा है। आपके नजरिए से दो या तीन ऐसी कौन सी बातें रहे जो हम बता रहे हैं? पहले कहा, नहीं पहले कहा, कांग्रेस के 4 साल के जो उपलब्धि है कार्यकाल में उस पर जनता ने मोहर लगाया। दूसरा, मनोज मंडावी के प्रति उनके वहाँ लोगों के पारिवारिक संबंध थे, तो उस आधार पे वोट मिला। चुनाव के दौरान जो जमीनी मुद्दे थे वो गायब रहे, कहाँ विपक्ष ने कभी भी जमीनी मुद्दों को नहीं उठाया, वो तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए वो उसको सर्व आदिवासी समाज वालों को फीड भी करते रहे, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रही, उनको सहयोग कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस का वोट काटेंगे सोचे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ये भी कह रहे थे कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस को भी सहयोग किया। आपके पास जानकारी हो तो मुझे दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद।